हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, अभी सुबह के 6:30 हो रहा है और अभी सूर्योदय हो चुका है दोस्तों, लेकिन बादल है, इसकी वजह से सूर्य दिख नहीं रहा है सूर्य महाराज जी। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं घूम लिया, बहुत अंदर तक बीच तरह में गया हुआ था, तो अभी चलते हैं घर पे और घर पे माल उसरे आएंगे। कल मस्त सेल हुआ था, इनकम भी मस्त हुआ था और आज बहुत सारे जो है ना आइटम कैरेट का ख़त्म हो गया है। तो चलते हैं मालूम सर आएंगे, फिलहाल दोस्तों घर पे मिलते हैं। फाइनली दोस्तों अभी आ गया और टाइम हो गया, 7 बज गया है अभी। तो अभी चलते हैं दोस्तों, माल को सरियाते हैं। तो सकते हैं इसमें जो है ना, इसमें सरियाना है, झोला का भी सरियाना है सबको, तो सब छिटा उटा गया है, सब कुछ सरिया लेते हैं अच्छे से। अभी 7 बज रहा है अभी। फाइनली दोस्तों सारा माल को सरिया लिया, अभी देख सकते हैं गमछा भी हो गया झोला में का भी, और इधर का भी कैरेट का भी हो गया, टाइम पौने ना हो गया है दोस्तों। तो चलते हैं, अभी स्नान करके नहा वहा करके रेडी हो चुका हूँ और अभी खाना खाते हैं, उसके बाद में सामान लोड करेंगे। तो देख सकते हैं खाना भी आ चुका है, सब्जी है, चावल है और करी है, पानी है उधर। चलिए खाना खाते हैं और फिर सामान को लोड करेंगे गाड़ी। टाइम 12:30 हो रहा है और अभी मैं 9:45 से निकला हूँ घर से और अपना गाँव हरपुर में ही बेच रहा था। लगभग कितना 11:30, 10:30, 12:30, 3 घंटा समय लगा है और 3 घंटा में सेल अच्छा हुआ है। कितना का हुआ है गिनती नहीं किया है, तो चलते हैं आगे गिनती करके फिर मिलते हैं कितना का सेल हुआ है। यहीं पे पेड़ है देख सकते हैं, तो यहीं पे रुक के और पैसा मिलाते हैं कितना का सेल हुआ है अपना गांव में ही, क्योंकि अभी 12:30 हो रहा है देख सकते हैं। तो सब सरिया लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कितना का सेल हुआ है। दोस्तों गिनती कर लिया टोटल रुपया को, अपना गाँव में ही कितना लगभग 2500 में 20 रुपया कम है, यानी 2480 रुपये का सेल हुआ है एक ही गाँव में 3 घंटा के अंदर में दोस्तों। तो सेल आज दोस्तों मस्त हुआ है और अभी मैं 9:45 से निकला हुआ था, अभी 1 बजने में मात्र 5 मिनट बाकी है, यानी कि 12:55 हो चुका है। तो चलिए अभी थोड़ा सा यहाँ पर रुकते हैं 5 मिनट और उसके बाद में फिर चलेंगे अगला गाँव सोनौल खान है, सिंहरबा है, और फिर ननकार सिमरदा में जो है ना उधारी भी है, देखते हैं मिलता कि नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों सोनौल खान, मलाई टोला और सिंहरबा तीनों गांव घूम करके और फिर मिलते हैं, देखते हैं कितना का सेल होता है। अभी दोस्तों 1:45 हो रहा है, तो देखते हैं तीनों गांव कितना समय में कई बजे तक कंप्लीट होता है। हाँ दोस्तों सिंहरबा घूम लिया और यहां पे कल है, तो कल पे पानी वानी पिया हूं और दोस्तों अभी चलते हैं, गाड़ी हमारा इधर लगा हुआ है देख सकते हैं, तो पानी पी लिए और चलिए मुँह हाथ भी पोंछ लिए हैं थोड़ा। और दोस्तों सोनौल खान, मलाई टोला और सिंहरबा तीनों गाँव हुआ हूँ, तो 2 गो प्लाजो सेट और प्लाजो सेट के बाद जो है ना 1 गो ओढ़नी, 2 गो टेप, ये सब मिला करके 600 के सेल हुआ है तीनों गांव मिला करके। अभी दोस्तों चलते हैं अगला गांव जो है ननकार सिमरदा है, इस गांव में उधारी भी बाकी है, देखते हैं मिलता कि नहीं मिलता है। तो चलिए फिलहाल ननकार सिमरदा घूम के फिर मिलते हैं और टाइम दोस्तों अभी हो गया है लगभग 2:30 बज रहा है अभी दोस्तों। अभी ननकार सिमरदा घूम लिया हूँ और टाइम दोस्तों 5 बज चुका है और इस समय का भी कुछ इस प्रकार का दे सकते हैं, सूर्य डूबने वाला तो नहीं है लेकिन डूबेगा अभी आधा 1 घंटा के बाद। और दोस्तों चलते हैं नराहा की तरफ, अभी नाश्ता भी करेंगे। और दोस्तों ननकार सिमरदा की बात करें सेल का, तो 500 का सेल हुआ है और उधारी दोस्तों ननकार सिमरदा में लगभग 600 तक से उधारी है, 600 साढ़े 600 उधारी एक भी नहीं मिला है और नया उधारी 150 रुपया चढ़ गया है। तो फिर सोमवार को आएंगे इधर ही, तो चलते हैं दोस्तों। फिलहाल अगला गाँव नरहा है, तो नरहा घूमते हैं, नरहा नहीं घूमेंगे, चलते हैं फिलहाल दोस्तों नाश्ता करेंगे, भूख लगा बड़ी वैसे, तो होटल में मिलते हैं दोस्तों। अभी मैं नाश्ता पान कर लिया, बेटी नाश्ता किया तो नाश्ता भी कर लिया दोस्तों, अभी चलते हैं। इधर गाड़ी लगा हुआ है और बहलगामा चौक है, तो चलिए अब दोस्तों चलते सीधे घर की तरफ। दोस्तों अभी आ गया घर और अंधेरा हो गया, आते आते अभी लाइट कटा हुआ है देख सकते हैं, तो हिमालय उतार लिया देख सकते हैं, गाड़ी भी ऊपर लगा दिया। और दोस्तों अब चलते हैं, सारे पैसा को गिनती करते हैं टोटल कितना होता है, और इधर है और नीचे वाला पॉकेट में है, तो चलिए सारे को निकाल के और फिर गिनती करते हैं। चलिए दोस्तों सारे को पहले निकालते हैं और आ गया हूँ इस रूम में देख सकते हैं, इस रूम तो हो गया है लेकिन मच्छरदारी नहीं गिराया हुआ है, तो गिनती कर लेते हैं उसके बाद में। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा निकाल लिया, यही है टोटल, तो सारे को सरिया लेते हैं उसके बाद में गिनती करेंगे दोस्तों। सरियाते हैं 1, 2, 3, 4,
25 और ये हो गया 30, 30 32 34 35 36 37 38 दोस्तों, ये है 3800 और 38 इधर आ जाएगा तो 3900 हो गया दोस्तों, ये 3900 हो गया। और ए रेच की गिनती करने का है, दे सकते हैं तो सारे को रेच की गिनती करते हैं कितना होता है। इधर 3900 है तो 1 2 10 4000 हो गया दोस्तों, 1 2 3 खाली दोस्तों सारा को गिनती कर लिया। ये हमारे पास है 4000 रुपया और इधर देख सकते हैं टोटल मिला के 4000 जो है ना 10 रुपया है, जिसमें मैं 500 रुपया लेकर गया हुआ था तो उसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3510। तो आज का सेल दोस्तों 3510 रुपये का है, दे सकते हैं ये है और इधर है 3510 है। तो दोस्तों सेल तो 3510 है लेकिन इनकम कितना है, तो दोस्तों थोड़ा सा हमको एक घंटा आधा घंटा समय लगेगा मेडिटेशन करने के लिए, तो माइंड में मेडिटेशन करते हैं और इनकम कैलकुलेट करते हैं कि कितना होता है, तो इनकम कैलकुलेट करके और फिर मिलते हैं। फाइनली दोस्तों अभी खा रहा हूँ, देख सकते हैं सब्जी है, रोटी है और दूध है, दोस्तों खाना खाते हैं और कितना इनकम हुआ है, कमाई हुआ है तो वो सब अभी गिनती कर लिया हूँ। खाना खा लेता हूँ उसके बाद में बताऊँगा, पहले खाना खाते हैं। फाइनली दोस्तों अभी खाना खा लिया और दोस्तों इनकम नहीं बताया था, इनकम पूरा जोड़ लिया हूँ दोस्तों, 1022 का इनकम है, जिसमें दोस्तों ऐसे तो उधारी मिला है 155 रुपया और उधारी लगा है 210 रुपया, तो उसमें माइनस प्लस करेंगे तो हमारा पूंजी में 55 रुपया उधारी लगा है। यानी कमाई की बात छोड़िए, पूंजी मतलब जो पूंजी लगा है, पूंजी हमारा 55 रुपया उधार लगा है माइनस प्लस करने पर, तो 55 रुपया उसको माइनस करेंगे 1022 में से तो हो जाता है 972 रुपया। तो आज का टोटल इनकम 972 रुपया हुआ। और दोस्तों सेल की बात करें तो दोस्तों 3510 रुपया नहीं 3610 रुपया, क्योंकि 100 रुपया जो है ना अकाउंट में भी गया था तो वो छूट गया था, नहीं जोड़ाया था, सिर्फ कैश जोड़ाया था। तो 3610 में 972 का इनकम हुआ। और बचाने की बात करें तो आपके ऊपर है, मतलब मेरे बताने का मकसद ये है कि इतना सेल में इतना इनकम हुआ है और कै परसेंट हुआ, आप लोग हिसाब लगा सकते हैं और कै परसेंट आपका जवाब है कि कितना परसेंट इनकम हुआ है सेल का, आप लोग कमेंट में बताइए ताकि मुझे भी पता चले। और एक भाई का भी कमेंट आया था कि झूठ बोल रहे हैं कि इतना इनकम नहीं होता है, तो भाई मुझे जो हुआ है वो मैं बताया हूँ, लेकिन मैं हमेशा बताऊँगा भी नहीं, कल और आज बता दिया है ये कितना इनकम हुआ, कितना सेल में कितना इनकम हुआ है, और इसके बाद जो है ना सिर्फ सेल बताएंगे बस, क्योंकि जोड़ने में टाइम लगता है, लगभग 1 घंटा समय लगा है हमको कैलकुलेट करने में, लेकिन कैलकुलेट करने से इतना खुद को जो है ना बहुत ही अच्छा महसूस होता है, जन मालूम पड़ जाता है कि हाँ इतना इनकम हुआ है, तो अगले दिन जो है ना मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। और सीधे काम करेंगे, हिसाब उसाब नहीं करेंगे, इनकम नहीं जोड़ेंगे कितना इनकम हुआ क्या हुआ, तो अंदाजे से तो अंदाज लगा लेंगे कि हाँ 800-900 हुआ होगा, लेकिन अगर जोड़ लिया है तो पूरा कंफर्म हो गया है तो पूरी तरह से जो है ना मोटिवेट हो गया है कल होकर काम करने के लिए। तो इसलिए अगर प्रतिदिन हिसाब लगाते हैं, जोड़ते हैं तो अच्छा भी रहता है। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं कल सुबह एक और वीडियो में, अभी इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।